नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो आज आसीबो राज्य सरकार को कोरोना गाइडलाइन अगस्त मासरे संपूर्ण अनलॉक होइ न पारे ओडिसा कोरोना स्थिति देखि डीएमईटी को आकलन आज प्रकाश पाइब युक्त दुई विज्ञान और वाणिज्य फल संध्यार बोर्ड वेबसाइट उपलब्ध हो रिजल्ट परवर्त पर्यायर कला और धंदामूलक फल प्रकाश नहीं सूचना आईपीएस प्रोबेशनर्स को संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन एगारटा सर्दार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकाडेमी में भर्चुआल संबोधन प्रोबेशनर सहित कथबार्ता होबार कार्यक्रम राजेन्द्र विश्वविद्यालय को नहीं तुटिला बिवाद विश्वविद्यालय मान्यता देला यूजीसी ट्वीट कर सूचना दे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आवश्यक तथ्य प्रदान कले खूब शीघ्र मिल केन्द्रीय अनुदान प्रकाश पाला सीबीएसई द्वादश रिजल्ट मन खराब नक अभिज्ञतार शिखी सफलतार नुआ गगन छुईवा को ट्वीट करी कहले मोदी शुभेच्छा जुड़ाइले धर्मेन्द्र चलित बर्ष पास सार 99.37% पुओ को पचरे पक बाजी मारे झील विजिलेंस कब्जा में स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सदस्यों व्यक्तिगत सचिव मोट संपत्ति 3,79,60,00,000 टंकार सुना जपत खोल कि निजुक्ति केलेंकारी बड़ गुमर चेर के बड़ प्रश्न बंगोपसगर उपकूल और संलग्न पश्चिमबंगे सक्रिय रही लघुचाप 24 घंटा मध्य पश्चिमबंग झारखंड और बिहार मध्य अतिक्रम करने संभावना 5 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछे पानीपाग विभाग एवं टोकियो ओलंपिक्स में भारत दमदार प्रदर्शन बढ़ला पदक आशा हॉकी क्वार्टर में भारत बॉक्सिंग और बैडमिंटन सेमीफाइनाल को गले लवलीना और सिंधु देश आउ 3 पदक पक्का आज प्रकाश पाइब युक्त दुई विज्ञान और वाणिज्य फल आज संध्यारे फल प्रकाश नहीं बोर्ड पक्ष सूचना मिली सीएचएससी वेबसाइट ओडिशा रिजल्ट्स .nic.in रे फल देखिपारे छात्र छात्री परवर्त पर्यायर कला और धंदामूलक फल प्रकाश पाइब कला और धंदामूलक पाठ्यक्रम आवश्यक कागजपत्र जांच करिबारे अधिक समय आवश्यकता दृष्टि यार फल प्रकाशन त्वरित पदक्षेप ग्रहण करमति लगी मान्यवर सुप्रीमकोर्ट निकट में परिषद पक्ष सौम्य याचिका दाखल कला और धंदामूलक पाठ्यक्रम परीक्षा फल खूब शीघ्र प्रकाशन परिषद तरफ समस्त प्रकार प्रस्तुति जारी रही उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्ष आज अगस्त मास पई घोषणा हेबो गाइडलाइन तेबे वर्तमान संपूर्ण अनलॉक हेबनी ओडिसा कटक भुवनेश्वर रे कोरोना स्थिति स्थिर रही आगरु 500 ऊपर रहुतिला पॉजिटिव संख्या एबे 400 रे रहुची पॉजिटिविटी संख्या तेणु संपूर्ण अनलॉक हेबनी राज्य बोली कहिसेंती डीएमईटी सीबीके महंते अनपटे केस लोड कमी वर्तमान आमे अनलॉक ट्रैक रे थिबा कहिसेंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र तबे मॉल खुलिबा पूर्वरु डबल डोज नेथिबा लोकंकु प्रवेश अनुमति दिया जाउ सेपरि मॉल भितरे फूड कोर्ट बंद रखा जाउ सेपरि नाइट कर्फ्यू बलबत्र रहिबा दरकार दुकान बजार 5टा पर्यंत खुलिबा अनुमति बलबत्र रहु जीवन जीविका दृष्टिरु सप्ताहांत शटडाउन को उठाई दिया जाउ बोली कहिसेंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्र कटक भुवनेश्वर पई सरकार को 3-4 दिग उपर अधिक गुरुत्व देबाकु पडिबो बोली से कहिसेंती जोटे अति परिमाणे कमी गलानी आउ किछि कोळ होइ पारे सेटा प्रेडिक्शन किंतु सरकार त माने एटा तो टीम डिसीजन तेणु कोळ होइ पारे जोटे बढ़ी अधिका रही सेमती मेन्टेन कर आउ किछि सामान्य कोळ कर दिया पारे आउरी किछि स्ट्रिक्ट कर दिया पारे सेटा डिपेंड कर सिचुएशन ऑन दैट डे जोदन कि डिसीजन नै हबो सेदन ऊपर डिपेंड कर ट्विन सिटी रे चिंता बढ़ाला डेंगू सर में कोरोना कमी नथिबा बेले डेंगू मुंडबिंधार कारण पलटिछे बर्षा दिन चलता बेले डेंगू संक्रमण बढ़िवे लगी भुवनेश्वर पर कटक डेंगू रोगी चिन्हट पर सहर विभिन्न
वार्डरेड को डेंगू सचेतनता कार्यक्रम आरंभ करिसेंति तबे उभय कटक भुवनेश्वर महानगर निगम रे ए व्यवस्था होइछे। कविता स्वाई आम रिपोर्टर बाबदे आलोचना आम सहित जोड़ कविता जदि आप देखिए कोटना कोटि कोरोना महामारी समय बर्तमान समय डेंगू चिंता बढ़ाला प्रथम विशेषकर भुवनेश्वर में अधिक मात्रा चिन्हट होते हैं कटक चिन्हट हेले तेणु कोटना कोटि ए संख्या वृद्धि पाऊँगी तेणु बीएमसी के सजाग जो कथा कहु राजधानी में एमती अनेक जगह रही है जो मशा वंश वृद्धि होपर वर्षा दिन मध्य निहत भाव में निवेदिता गोटे कथा हूँ कोरोना काल में डराउे डेंगू व चिंता बढ़ेला डेंगू बोली राजधानी कहींपर कहीं पूर्व 482 डेंगू रोगी चिन्ह बेले गत काली 23 जन राजधानी भुवनेश्वर 23 जन डेंगू रोगी चिन्हट होती जहाँकि 505 पहुंची बर्तमान डेंगू रोगी संख्या यहस जदि कह कि विशेषकर जो रही बस्ती अंचल तलिया साही अंचल रही अंचल ही मशा प्रादुर्भाव देखा मिली डेंगू रोगी विशेष भाव में सहीठू ही बाहर तासद नीलाद्री विहार शैलश्री विहार विशेषकर डेंगूर प्रादुर्भाव देखा मिली डेंगू रोगी विशेष से ही चिन्हट होती जहाँकि बर्तमान बीएमसी चिंता बढ़ाई जिते बर्षा दिन आसला से बर्षा दिन पूर्व ही विभिन्न व्यवस्था करार डेंगू प्रतिकार कर आवश्यकता रही है जमीक मशा धूआ छाड़ मशा तेल पकड़ा ड्रेन केमी रही तार रक्षणबेक्षण करवाबल व्यवस्था केमी अच्छी तापर तदारख कर आवश्यकता रही है किंतु बीएमसी तार भूल मानी कि ताइना जी जो समय कथा बर्षा दिन आरंभ ही करवा कथा किसबू होना जो कि गोटे पर गोटे डेंगू रोगी चिन्हट होती जहाँ बर्तमान चिंता बढ़ाई राजधानीवासी यादव कह जो प्रथम पर्यायर जिते बड़े डेंगू रोगी चिन्हट होते से बीएमसी पक्षर तथ्य नाला कहीं तीनोटी हस्पिटाल टेस्ट कले सरकार जाऊला डेंगू रोगी संख्या जिते बड़े गोटे रोगी को जदि ज्वर हो जापार ना कोरोन ज्वर हो डेंगू ज्वर होती से प्रथम हस्पिटाल गला कोविड टेस्ट करूला कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आसूला कि डेंगू टेस्ट कला रिपोर्ट आसूला पॉजिटिव जो कि गोटे पर गोटे रोगी चिन्हट हेले वर्तमान जेहेतु आरएमआरसी एम्स आउ कैपिटल हॉस्पिटल टेस्ट कले ही रिपोर्ट जाऊँ गवर्नमेंट पाखु किंतु सठिक तथ्य बर्तमान बीएमसी कि सरकार पाखे ना केते जन डेंगू रोगी चिन्हट हेले कि से प्रकार व्यवस्था करना केवल सचेतनता कार्यक्रम कर बस्ती अंचल मानक बीएमसी कर्तृपक्ष जाऊँगी सचेतन कर लोक मानक विभिन्न स्कूल को मध्य काली नॉर्थ जेडसी मध्य जाइले विभिन्न जगह को जाउछन्ती सचेतनता कार्यक्रम करा जाउछि किंतु एबे काहेकि पूर्वर तो होइ परिथंता वर्षा दिन आरंभ रु भी तो एई सब काम होइ परिथंता जेते बेले एई सब डेंगू रोगी चिन्हट हेले सेते बेले ही चिंता बसिला बीएमसी रो आउ सेते बेले सचेतनता कार्यक्रम करा जाउछि किंतु आवश्यकता रहिछि जे अंचल रु विशेष भाबरे डेंगू रोगी चिन्हट होउछन्ती सेहि टेस्टिंग आहुरी मात्रा रे बढ़ेबा दरकार काहेकिना नीलाद्री विहार शैलश्री विहार अधिवासी माने जहा कहउछन्ती कि से टेस्टिंग रो अभाव रही जदि टेस्ट आहुरी मात्रा रे करे जंता ताले डेंगू रोगी चिन्हट होते जदि गोटे रु दुई दिन भितरे ए बीएमसी जे निजर दोष त्रुटि मानि जीव जे हां भूल रही जे आगुरु सेति कि सचेतन लोक करा जाय नथिला कोनोसी ड्रेनेज को सटीक रूपे परिष्कार करा जिबर व्यवस्था करा जाय नथिला ओ जेमते आपण कोतरे मसा धुआ कथा मध्य प्रश्न आसुची ए सब व्यवस्था करा जाय नथिला तनो कोठना कोटि दोष मानि देले तो अपनी ना लोक को जीवन मध्य विपन्न होची आरी मध्य रे बहुत बहुत धन्यवाद कविता स्वयं रिपोर्ट आलोचना विश्वजीत दास प्रतिनिधि जोड़े विश्वजीत भुवनेश्वर में चिंता बढ़ाऊ डेंगू परवर्त समय कटक चिंता बढ़ाला गोटे पटे महामारी सहित लोक जुझी कटक खोर्धार संक्रमण कमुनी यारी मध्य डेंगू चिंता बढ़ाला कटक महानगर निगम कौन सब प्रस्तुति आरंभ कला खुब शीघ्र विश्वजीत सहित जोड़ेबा तेज कौटना कौटि डेंगू वर्तमान पूरा राज्यवासी चिंता बढ़ाला गोटे पटे वर्षा दिन एपटे विशेषकर राजधानी कथा कहतु कटक कथा कहतु परिमल व्यवस्था केमती रही गोटे पटे मशा एडिस् मशा जो डेंगू व्यापुवा कहु जो मशा कि दिन में कामुड़ती विशेषकर जितेबाड़े ड्रेनेज्र अव्यवस्था चित्र सामना को आसूची मशा वंश
वृद्धि पाउछ। आ विशेष करी कुहा जाय जे वर्षा दिने ही डेंगू रोग व्यापी थाए, जेतु चारिआड़ संतसंतिया रही थाए, मशाक प्रादुर्भाव थाए, मशाक अंडा देवार समय, तेणु कौटि ना कौटि डेंगू व्यापार जथेष संभावना थाए। कि यारे प्रश्न आसूँ जे बीएमसी विशेषकर बीएमसी कथा कहतु सीएमसी कथा कहतु केते प्रस्तुत माने, जेतु डेंगू कथा सामना को आसला, गोटे पटे महामारी चली, महामारी कौटि ना कौटि पूरा स्थिति स्वाभाविक है, एबी कटक कथा कहतु खोर्धा कथा कहतु एटारे संक्रमण कमुनि, यार मधे डेंगू राज्यवासी चिंता बढ़ाला। विशेषज्ञ मत जदि या रोका न जाए तेज स्थित भयानक हो पाए। विशेषकर आउ गोटे बड़ कथा सामना को आसूँ जे के रोगी चिन्हट होती तार खबर बीएमसी पाखे ना, अर्थात जिते बड़े जड़े रोगी जा मेडिकल को जी रोगी डेंगू द्वारा संक्रमित होती बेड मिलूनी, यह अव्यवस्थार चित्र सामना को आसला। तेणु एवं जदि बीएमसी कौन पदक्षेप न निए तेज स्थिति आग को भयानक हो पारे, यार कौन विड़म्बना ना। तेज यार मध्य जो चित्र बर्तमान समय सामना को आसूँ डेंगू व्यापू कि कौन सब व्यवस्था करा जाएगी बीएमसी सीएमसी पक्षर, लोकों को केमी सचेतन करते बस्ती बासीदा रोचान विशेषकर राजधानी से बेस लगालगी रोच, जो डस्टबिन चित्रगुड़ी सामना को आसूँ के मात्रा रे मशा व्यापुंट, जो बीजेपी रास्ता खोल जे डेंगू को नहीं सरकार केते सजाग अच्छा कौन सब विधि व्यवस्था कर मशा वंश को लोप करने मशा धुआ कथा जिते सामना को आसला जे के अंचल मशा धुआ दिया जाए यार कैफत मागिता बीजेपी एवं कटक चिंता बढ़ाला डेंगू। विश्वजीत दास आम कटक प्रतिनिधि आम सहित जोड़ विश्वजीत, भुवनेश्वर में डेंगू को नहीं पूरा चिंता बढ़ुला, यार मध्य कटक डेंगू व्यापिला निश्चित भाव देखो गोटे पर गोटे रोगी चिन्हट होती कटक प्रथम कोरोना रोगी चिन्हट होते लोक भयभीत थे डेंगू रोगी भी चिन्हट होने धीरे धीरे जहाँ को कटकवासी कौटना कौटी भयभीत अच्छा ताक नहीं सीएमसी पक्षर सीएमसी हेल्थ अफिसर तत्वधान गोटे टीम करें आवेरनेस प्रोग्राम करूँ बड़ कथा होर मानक जो छोट छोट ड्रेनेज रही रास्ता घाट रही सफा कर प्रभाव में जो डेंगू मशा उत्पत्ति होती भाव में जो अंचल जो साही बस्ती गुड़िक रही जो छोट छोट ड्रेन अच्छी नला अच्छी से सब अंचल जदि मशा तेल ब्लीचिंग पाउडर मशा धूआ छड़ा जाता हुए तो से जो डेंगू रु लोक बर्ती पाते कि बड़ पदक्षेप कि रास्ता कूड़ कूड़ अलिया पड़ू से भाव में आम सहित किसी लोक अच्छे प्रतिक्रिया ना सर गोटे पटे कोरोना आ गोटे पटे डेंगू लोक कि सचेतन होती कारण सीएमसी आम देखु कौटी तेल पकुच तो कौट तेल पकुन आपल कि रही आज्ञा देखु आपण आगे ये देखा कौ भाई नर्दमा देखु तादी कौन सी मशा तेल पड़ूना तापर से जो आम डस्टबिन अच्छे से देखते भलि सफा हो पार नहीं तो ये आम डेंगू बचू लोक आसनेस तेल पक मशा तेल मशा किसी मशा तेल पक पार ना मशा तेल आम के देखुन ये नर्दमा ये अपरिष्कार रोज ना सफा होने ना सफा होना आप देखते आप कैमरा फोकस पकात देखते कमी हो इटा पिटा गदा हो पूरा पड़ी तो सीएमसी हिसाब से कौन सी तेल फेल मशा तेल किसी ना तो ये सी तो टोटाल आम देखुन आसवे केपरिनी टोटाल देखुन आम तो यही है कि गोटे डस्टबिन अच्छी सफा भी भल ठीक हो डेंगू को नहीं भयभीत अच्छा गोटे पटे कोरोना था डेंगू आसला डेंगू तो बहुत भयभीत अच्छा आम ये जो भाई अपरिष्कार अच्छी आम डेंगू पूरा आक्रांत पूरा एकदम ज्वर से पूरा एकदम समस्त पूरा आक्रांत हो टेस्ट करछन अंगनवाड़ी आशा कर्मी आस पचार कर्मी के आसूँ के आसूना तार ठीक ठीक ना ना मशारी दी ना टोटाल मशारी पाइन आम कहीं ये कि आम कौ भाई हिसाब से आम बचू से आपण मोर आपण ये आम को सुविधा कले आम सुरक्षित देक रही निवेदिता शुणुते लोकों प्रतिक्रिया कि सीएमसी रो कौन से अधिकारी एटक आसूना केवल जो आशाकर्मी अंगनवाड़ी कर्मी आसुच्च बेले बेले आसूना जहाँ को नहीं आप देखिपे रास्ता पर दृश्य देखो कूड़ कूड़ अलिया पड़ी जो दीर्घ दिन धरी पड़ी पड़ी रही कौन से लोक आसते ना उठाते ना जार प्रादुर्भाव में मशा उत्पत्ति हमें एगुड़ी डेंगूर प्रभाव देखा जा मिले कि कटक सहर जदि स्थित नियंत्रण अच्छी कितु सीएमसी जो पदक्षेप ना कथा सेगुड़ी नेसी मेडिकल जानते हैं कटक जिलार
पाखापाखि 7-8 जन एवं डेंगू आक्रांत संख्या से रही ट्रिटमेंट होती 29 जन रोगी कटक छड़ा बालेश्वर भद्रक लोक मैंने आसिक कटक एसीबी रे चिकित्सित होती जदि सीएमसी कटक किसी पदक्षेप निता जमी मशा तेल हो मशा धूआ जाए ब्लीचिंग पाउडर कथा कहतु यह सब पदक्षेप जदि निता हूँ तो डेंगू रोगी संख्या कटक कमता जदि यह सब पदक्षेप न निया जाए निश्चित भाव में आगे संख्या वृद्धि पाव आज जोब्रा गोटे पटे सीएमसी अपारगता सामना को आसुची जहाँ चित्र आपण देखाउतले केमती अनाबना होई पॉलीथिन पड़ी ड्रेन रो अव्यवस्था रही कटक रे 52 बजार 53 गली यारी मध्ये अनेक लोक संक्रमित होबार आशंका रही जदि यार पूर्व प्रस्तुति न करा जाए समाधान न करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत दास आम कटक प्रतिनिधि आम सहित सविशेष आलोचना करुथिले। बुलेटिन समय एक छोट ब्रेक रो ब्रेक पर फेरबा एवं आउ किछि खबर देखिबा। स्वागत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईपीएस प्रोबेशनर्स मानक संबोधित करेंगे। दिन 11:00 सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी रे आईपीएस प्रोबेशनर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे संबोधित करेंगे। इस समय रे प्रोबेशनर्स मानक सहित कथाबार्ता हेबार कार्यक्रम रही है। कार्यक्रम रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह मध्य जोग देबे। हैदराबाद रे अवस्थित ए पुलिस एकेडमी होचे देशर प्राथमिक पुलिस तालीम प्रतिष्ठान। या भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी को तालीम देथा एवं आईपीएस अधिकारी को सेवा पाए विभिन्न इन सर्विस पाठ्यक्रम करिथाय। बलांगीर राजेन्द्र विश्वविद्यालय को मिलला यूजीसी मान्यता। यह विश्वविद्यालय तालिकार सामिल कला यूजीसी एने केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट कर सूचना देते। प्रमुख शिक्षानुष्ठान पश्चिम ओडिशा छात्र छात्री सामूहिक विकास में सहायक होबोली आशा रही। बलांगीर राजेन्द्र विश्वविद्यालय को मिलला यूजीसी मान्यता। यह विश्वविद्यालय तालिकार सामिल कला यूजीसी। विश्वविद्यालय किपरी कार्य करिवो से नै गाइडलाइन जारी करा जाई छी। ए नै केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट करी सूचना देइछंती। विश्वविद्यालय पश्चिम ओडिशा छात्र छात्रीं आकांक्षा पूरण करिवा सह प्रधानमंत्री दूरदृष्टि संपन्न नुआ शिक्षानीति उल्लेख थिबा गुणात्मक शिक्षा उपलब्धि करिवो बोली से कहिछंती। आवश्यक तथ्य प्रदान कले यूजीसी अधिनियम 1956 रो धारा 12 बी रे खूब शीघ्र केंद्रीय अनुदान पाइब। यह विश्वविद्यालय उन्नति एवं छात्र छात्री सामग्रिक विकास सहायक होबोली शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। जेकोसी नुआ विश्वविद्यालय हले विश्वविद्यालय का महाविद्यालय रे यूजीसी रो अप्रूवल दरकार। सेटा दुटा जिनस गोटे छ 2F आउटे 12B। आमर यूनिवर्सिटी फॉर्मेशन हेला परे हमें यूजीसी की रिक्वेस्ट करथिले हमको 2F रे अप्रूवल दिया जाए। से माने देखिले जे 2F रे अप्रूवल दवा पई यूजीसी नियम अनुसार सेटा स्टेट लेजिस्लेचर गोटे एक्ट करिवो तापर सेटा हम तापर हमें से जो हमर प्रीवियस एक्ट को देखिके आउ थरे करबे नहीं एटा से एक्ट वर्तमान लेजिस्लेचर ने करिया दरकार नहीं। आमर जो प्रीवियसली जो एक्ट हेच 1989 ता बेसिस रे हेई पाइबो किंतु आपण से माने कोनी अथॉरिटी लिखले नहीं एटा दिस इज नॉट पॉसिबल आमे करि पाइबो नहीं। सो सेति पई आमे तापर गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा को चिट्ठी। अन्य पक्षरे राजेंद्र विश्वविद्यालय को यूजीसी मान्यता मिलिबा परे बीजेडी सांसद सुभाष सिंह केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को धन्यवाद जणाइछंती। एहा सह बलांगीर एही प्रमुख शिक्षानुष्ठान जिलार छात्र छात्री सामूहिक विकास रे सहायक हेबो बोली से कहिछंती। माननीय केन्द्र मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान तांको ट्वीट जरिया रे आज यूजीसी मान्यता दिया गला बिनि घोषणा करछंती। सेतमें बलांगीरवासी पक्षरु आमे समस्ते माननीय केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को धन्यवाद जणवा संगे संगे बलांगीर प्रमुख शिक्षानुष्ठान लक्ष लक्ष पिलांकर आशा विश्वास को रक्षा करी बलांगीर राजेन्द्र विश्वविद्यालय गोटे बड़ भूमिका पालन करिवो ए आशा विश्वास हमर रहिछ। 2020 रे राजेन्द्र महाविद्यालय को विश्वविद्यालय रे परिणत करथिले राज्य सरकार। 2021 रे विश्वविद्यालय रे कुलपति नियुक्ति होइथिले तबे एने यूजीसी आपत्ति उठाइया परे विवाद सृष्टि होइथिला। एबे एहार अवसान घटिछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଆୟୁର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଛୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସମେତ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଇ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବିରଞ୍ଚିଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆଣୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଘରକୁ ଏତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଇ କାର୍ଡ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏହା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ବିରଞ୍ଚି ଠୁଳ କରି ନାହାନ୍ତି ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେଉଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନାଁରେ ବହୁ ଥର ଆସିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ଠୁଳ କରିବା ପଛରେ କେହି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ତ? ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ? ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ପିରିପୁର ଗାଁରେ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ଅଭିଯୋଗ। କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରିଲିଫ ଦେବା ନାଁରେ ଆଦିବାସୀ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଓ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସଦସ୍ୟମାନେ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ କଟକରୁ ଆସିଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅବମାନନା କରୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ, ଆମ ଧର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼, ତେଣୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଗାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଧର୍ମ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଧର୍ମ ହିଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ରାମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମେ ରାତି ପାଇଁ ନା ରାମକୁ ଇଏ କରୁ, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କଲେ ମା ଭଉଣୀ ଏମାନେ। ଅଦରକାରୀ କାଗଜରେ ତିଆରି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି, ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ସାହୁ। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। କଇଁଚି ଦ୍ୱାରା କଟାଯାଉଛି କାଗଜ, କଟାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଅଠା ଦେଇ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ଦିଆଯାଉଛି ରଙ୍ଗ, ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ଫୁଲ, ଫୁଲଗଛ, ପେନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଅଦରକାରୀ କାଗଜ, କାର୍ଟେନ୍, ପଲିଥିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କେଡ଼ିଆପଲ୍ଲୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ସାହୁ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମା ରଶ୍ମିତା କହନ୍ତି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବଳକା ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଝିଅର ଏଭଳି କଳାକୃତି ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇଛି। ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ସୁରେଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ ତାହା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଛାତ୍ରୀ। ଲକଡାଉନ ସକାଶ ଆସିକି ଘରେ ରହିଲା, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗଲା, ତାର ବଳକା ସମୟ ତକ ମୋବାଇଲରୁ କିଛି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଆଉ ଘରର ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷ ତିଆରି କଲା, ଆମେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ। ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯାହା ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ନେଇକରି ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସାଜ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ପରିବେଶ ପାଇଁ, ପରିବେଶର ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ, ତତ୍ସହିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା ବି ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିକଶିତ ହୋଇପାରୁଛି। ଚଟାଣ ସାରା ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛି ରଙ୍ଗ, ତୁଳି, କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଅଧାଗଢ଼ା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ, ସେଥିରୁ କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ସେଲ୍ଫରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏଭଳି ଉପକରଣ ତିଆରି ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ କୌଣସି ତାଲିମ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏଥିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଲଟିଛି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖି ଦେଖି ଏଭଳି କୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରଶ୍ମିତା କହନ୍ତି, ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଓ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୁରା ସମୟ ମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏଭଳି ଉପକରଣ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲା। ରଦି କାଗଜରେ ଫୁଲ, ଫୁଲତୋଡ଼ା ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିହିର ମହାପାତ୍ର।
ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଫୁଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍, ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏରା ସବୁ କଲି। ଆଉ ମତେ ବି ନିଜକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ମୋର ସମୟକୁ କିଛି ବେକାର ନ କରିକି କିଛି କରିପାରୁଛି। ମୋର ଏଇ କଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଠୁ କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ମୋର ଏଇ କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରଖିବା ସହିତ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା କୌଶଳ ଏଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଟିକୁ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ତାର ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଆନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଗାଁର ନାଁ ରଖନ୍ତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖନ୍ତା। ତା ସହିତ ମୁଁ ବି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ଏଠି ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ପାର୍ବତୀ ଓ ତାଙ୍କର କଳାକୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଓ ସୁନାମ ଆଣିବେ। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଭାଙ୍ଗିଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ କେନାଲ ବନ୍ଧ, ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଠା ଜଳସେଚନରେ କୋକସରା ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଅଣଜଳସେଚିତ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି କେନାଲ ବନ୍ଧ, ଫଳରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। କୋକସରା ବ୍ଲକର ମାଝିକୁଡ଼ା ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ପାଣି କେନାଲ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ 10 ଫୁଟ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଇ ଖରାଦିନେ ନେଇକି ପାଣି ବନ୍ଦ କରିକରି ନେଇକି ପେଚ୍ ନେଇକି କରିକରି ନେଇକି ଛୁଟିଥିଲେ, ତାପରେ ଯାହାର ଫଳରେ ନେଇକି ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କିଛି ନେଲେ ବି 100 ହେକ୍ଟର ଜମି ନେଇକି କ୍ଷତି ହେବା, ପୁତ୍ରେ ଏମାନେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍, ତାପରେ ନାଇଟ୍ରେ ଜଗିଆ ଦେବାର ନେ ନା, ତାର ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ତା କର, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ଓଭରଫ୍ଲୋ ରାତିରେ ଥିଲା 10 ବଜାରୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ ବି ଆମେ ଦେଖବାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନମାନ କାମ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ସେ ନିମ୍ନମାନ କାମ କରିକରି ଯେନ୍ ପଳାଲା ଏଇଟା ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଆକୁଲ ବ୍ୟାକୁଲ ଏତେ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଚାଷ କରୁଛୁ, COVID-19 ଚାଲିଛେ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷ କରିଛୁ, ସେ ଚାଷ ଯଦି ଡୁବିଗଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆମେ ମରିଗଲୁ। ସମସ୍ତ ସରୁଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।